तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज हम लोग का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो कुछ काम कर लेते हैं, समय तो लगेगा ही काम करने के लिए। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो टाइम एंड वर्क बेसिकली होता क्या है, अगर मैं कुछ भी काम आप लोगों को दूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे दो लाइन लिख के दिया है, तो आई एम आस्किंग यू टू राइट दिस टू लाइन्स इन योर कॉपी। तो दैट मीन्स आई गिव यू ए वर्क एंड टू राइट दिस टू लाइन्स यू एवरीबॉडी नीड्स सम टाइम। किसी का एक मिनट लगेगा, किसी का दो मिनट लगेगा, मतलब टाइम सभी का लगेगा ही। तो यहाँ से आता है टाइम एंड वर्क का बेसिक चीज़ जो होता है, मतलब कुछ काम करने के लिए टाइम लगेगा। सो वर्क इक्वल टू टाइम। अब सो दिस इज नॉट द एंड, अभी आता है एक और टर्म जिसका नाम है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। अब ये टू लाइन जो मैंने आप लोग को कॉपी करने के लिए बोला है, तो ये टू लाइन कॉपी करने के लिए सभी का टाइम सेम नहीं लगेगा, किसी का एक मिनट, किसी का दो मिनट लगेगा। अब ये टाइम डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट का क्षमता कितना है। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको ये दो लाइन लिखने के लिए कम समय लगेगा, एंड जिसका क्षमता कम होगा उसका ये दो लाइन लिखने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। तो नाउ द न्यूएस्ट टर्म इज एफिशिएंसी। तो अभी ये रिलेशन क्या होगा, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब इस इक्वेशन को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, मतलब टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। इस तरीके से भी हम लोग ये लाइन को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने का कारण ये है, तो मान लेते हैं अगर वर्क इज कांस्टेंट, मतलब ये यहाँ पे जो दो लाइन मैंने आप लोगों को कॉपी करने के लिए बोला है, ये काम मैंने 10 स्टूडेंट को कॉपी करने के लिए बोला है, तो मतलब ये वर्क जो है ये 10 स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क इज कांस्टेंट फॉर ऑल द 10 स्टूडेंट्स, बट द टाइम एंड एफिशिएंसी इज नॉट कांस्टेंट। मैंने किसी को ये नहीं बोल दिया है कि हाँ इसको आप लोग एक मिनट में ही कंप्लीट कीजिए या फिर एक दो मिनट में ही कंप्लीट कीजिए। मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया, और एफिशिएंसी तो हर एक का एफिशिएंसी अलग अलग होता ही है। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे ये बोला है कि वर्क इज़ कांस्टेंट फॉर द 10 स्टूडेंट्स। सो अगर वर्क इज़ कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम ये बोल सकते हैं कि टाइम वेरीसेस 1/ एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी इक्वल टू 1/ एफिशिएंसी वेरीसेस 1/ टाइम। तो अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो टाइम एंड एफिशिएंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मींस जिसका एफिशिएंसी कम है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, एंड जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसका टाइम कम लगेगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, एंड द मेन इक्वेशन ऑफ टाइम एंड वर्क इज वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब इसके ऊपर बेस करके ही हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उसको उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले एकदम बेसिक चीज, बेसिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। ए एक काम करता है 10 दिन में, एंड बी वही काम करता है 15 दिन में। तो अगर बोला गया है कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी साथ मिलकर काम करेगा, तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वही वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी उस फॉर्मूले से ही हम लोग करेंगे। अब इसका होगा डे, ये हुआ डे 10 days and 15 days। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। अब तक जो मतलब 9th और 10th में जैसे टाइम एंड वर्क करते थे, तो उस वक्त हम लोग वर्क को 1 पकड़ लेते थे। 1 पकड़ने से भी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितने कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 10 और 15 का एलसीएम होगा
30, तो ये 30 को हम लोग पकड़ेंगे टोटल वर्क। तो ये 30 वर्क करने के लिए ए का टाइम लगा 10 दिन एंड बी का टाइम लगा 15 दिन। तो मतलब अब 30 को 10 से डिवाइड करने से आएगा यहाँ पे 3 एंड 15 से डिवाइड करने से आएगा 2। दैट मीन्स ए का एफिशिएंसी है 3 एंड बी का एफिशिएंसी होगा 2। तो एफिशिएंसी को हम लोग इस साइड पे लिखेंगे, डे को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये होगा टोटल वर्क। तो नाउ हम लोग को निकालना है कि अगर ए और बी साथ मिलकर काम करेगा तो उसी काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर ए और बी साथ मिलकर काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी को ऐड करना होगा। अब ए का एफिशिएंसी है 3 एंड बी का एफिशिएंसी है 2, तो इन दोनों को ऐड करने से टोटल एफिशिएंसी आएगा 5, जो कि है ए प्लस बी का एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5, टोटल वर्क हम लोग का है 30, तो ए प्लस बी दोनों मिलके अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, वर्क बाई एफिशिएंसी। तो इसको सॉल्व करके हम लोग का मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज, मतलब टाइम। सो ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेगा तो वो काम खत्म करने के लिए टाइम लगेगा 6 दिन। अच्छा, इसका और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जिसको बोलते हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब इस फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते थे, जैसे कि इस फॉर्मूले से एक्स और वाई एक बार दिखा देते हैं। जैसे एक्स यहाँ पे होगा 10 एंड वाई होगा 15, तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई यहाँ पे होगा 10 × 15 बाई एक्स प्लस वाई, तो मतलब 25। अब इसका सॉल्यूशन करने से 2 and 5 से काटने से 2, ये आ जाएगा 6 days। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने से जल्दी हो तो रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला सभी प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, ताकि मतलब एक चैप्टर के लिए आप लोगों को 10 फॉर्मूला का याद रखने की ज़रूरत ना हो, एक ही फॉर्मूला से या फिर एक ही बेसिक चीज़ से आप लोग टाइम एंड वर्क का जितना भी प्रॉब्लम है वो आप लोग सॉल्व कर सकें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर ए और बी दोनों मिलके किसी काम को ख़त्म करने में 10 दिन लगता है एंड बी का उसी काम ख़त्म करने के लिए 30 दिन लगता है, तो अगर ए अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज ए कैन कॉम्प्लीट। सो यहाँ पे हम लोगों को पहले बोल दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहा है 10 दिन में, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी होगा हम लोगों का इस साइड पे। अच्छा, और बी का लगता है 30 days, तो एज यूजुअल वही फार्मूला, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 30। अब ये 30 हो जाएगा हम लोग का टोटल वर्क। अब 30 को 10 से डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1, तो मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी होगा 3 एंड बी का एफिशिएंसी होगा 1। अगर यहाँ पे है ए प्लस बी एंड यहाँ पे है बी, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा ए, तो ए का एफिशिएंसी क्या निकलेगा, 3 − 1 दैट इज 2 होगा हम लोग का ए का एफिशिएंसी। अब ए का एफिशिएंसी हम लोग को मालूम पड़ गया है 2। नाउ टोटल वर्क को मालूम है 30, तो ए का टाइम लगेगा टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी दैट इज 15 days। ओके, ये तो गया बेसिक्स प्रॉब्लम्स। अब आते हैं कुछ ईआर बेसिक्स प्रॉब्लम्स में, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सम जल्दी एमटीएस का एग्जाम भी होगा, तो सीजीएल और एमटीएस में जिस तरीके का प्रॉब्लम आता है कुछ ईआर बेसिक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं अभी। 6 दिन 18 दिन, ओके। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय कैन डू ए वर्क इन 3 days। वन मैन
सिक्स डेज, वन बॉय 18 डेज। तो अभी निकालने के लिए बोला है कि वन वुमेन अगर काम करेगा तो उनको कितना दिन लगेगा। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, जो डाटा हम लोग के पास दिया गया है, ये तीन जो डाटा दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये तो हो रहा है डे। अब पहले जो करते थे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम होगा 18, तो ये 18 हो जाएगा टोटल वर्क। अब 18 को एक बार 3 से 6 से और 18 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने से आएगा 6, 6 से डिवाइड करने से आएगा 3 और 18 से डिवाइड करने से आएगा 1। मतलब इन तीनों का एफिशिएंसी होगा 6, एक मैन का एफिशिएंसी होगा 3 एंड वन बॉय का एफिशिएंसी होगा 1। तो पहले निकालना होगा कि एफिशिएंसी ऑफ वन वुमेन इज। तो हियर इट इज गिवन दैट वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय, इन तीनों का एफिशिएंसी है 6। अब उसके बाद दिया गया है वन मैन का एफिशिएंसी 3 एंड वन बॉय का एफिशिएंसी होगा 1। तो अगर इन दोनों को ऐड करके 6 से माइनस कर देंगे तो वन वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो निकल जाएगा। तो मतलब 6 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2। नाउ ये 2 है वन वुमेन का एफिशिएंसी। तो अगर वन वुमेन काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा, वही वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क है 18, एफिशिएंसी इज 2, सो 18 बाई 2। तो एक औरत का काम करने के लिए वक्त लगेगा 9 डेज। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या बोला है, वन मैन और टू वुमेन और थ्री बॉय कैन डू ए वर्क इन 88 डेज। तो यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया है कि 88 डेज। तो पहले मैन, वुमेन एंड बॉय, इन तीनों का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो इन तीनों का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे 1, 2 और 3 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम होगा 6, सो मैन, वुमेन एंड बॉय। अब इसका होगा 1/1 × 6, इसका होगा 1/2 × 6 एंड इसका होगा 1/3 × 6। तो मैन का एफिशिएंसी आएगा 6, इसका आएगा 3 एंड बॉय का आएगा 2। दैट इज मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय, तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो होगा 6:3:2। अच्छा, तो ये जो चीज़ मैंने रेसिप्रोकल करके लिखा है, ये कैसे लिखा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है कि वन मैन इक्वल टू टू वुमेन इक्वल टू थ्री बॉय, तो इसको हम लोग के पकड़ लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मैन इक्वल टू के, वुमेन इक्वल टू के बाई 2 एंड बॉय इक्वल टू के बाई 3। सो अगर यहाँ पे ये एलसीएम 6 है तो 6 से तो मल्टीप्लाई हर जगह पे होगा ही। तो अगर k को पकड़ लेंगे तो यहाँ पे होगा k/1, यहाँ पे होगा k/2 एंड यहाँ पे होगा k/3। तो एज वी आर फाइंडिंग आउट द रेशियो, सो वी कैन एलिमिनेट k फ्रॉम ऑल द टर्म्स एंड नाउ वी कैन राइट m इज टू सॉरी मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय इक्वल टू 6:3:2। And this is the ratio of efficiency of man, woman and boy. अच्छा,
अभी क्या बोला है, एक मैन या फिर दो वुमेन या फिर तीन बॉय, इसको एक काम खत्म करने के लिए 88 डेज लगता है। तो एक आदमी, एक औरत और एक बॉय, तीनों अगर साथ में काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। जैसे वन मैन का टाइम लगता है 88 डेज। ओके, अच्छा क्लियरली लिखते हैं। अच्छा, तो वन मैन का टाइम लगता है 88 डेज। तो हम लोगों को निकालना है वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय, तीनों अगर साथ में काम करेगा तो कितना दिन लगता है, लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक दिन लगेगा, तो यहाँ पे एक पकड़ लेते हैं। अभी क्या करेंगे, मैन का एफिशिएंसी कितना है, 6। तो यहाँ पे 6 बिठा देंगे, तो 6 × 88। यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी है 6, वुमेन का है 3 एंड बॉय का है 2, और दिन हम लोगों को निकालना है जो कि है x। तो नाउ वी कैन सॉल्व 6 × 88 = यह से आएगा 11x। सो यह से निकल रहा है x = 48। तो अगर वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय अगर एक साथ काम करेगा तो उनका टोटल लगेगा 48 डेज। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 मैन या फिर 20 बॉय 20 दिन में 260 मैट बनाता है। हम लोगों को निकालने के लिए बोला है अगर 8 मैन एंड 4 बॉय अगर एक साथ काम करेगा तो अगर 8 मैन एंड 4 बॉय अगर 20 दिन काम करेगा तो कितना मैट बनाएगा। ओके, तो पहले तो हम मैन और बॉय का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 10m = 20 बॉय। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, m/b = 20/10। सो m:b आ रहा है 2:1। सो मैन एंड बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1। अब क्या बोला है, 10 आदमी या फिर 20 बॉय, किसी भी एक को हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 मैन को ही ले लेते हैं, 10 आदमी 20 दिन काम करेगा तो मैट बनाएगा 260। अब निकालने के लिए बोला है 8 आदमी 8 मैन एंड 4 बॉय 20 दिन काम करेगा तो कितना मैट बनाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एफिशिएंसी हम लोग को मालूम है, मैन का है 2 एंड बॉय का है 1। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग वो एफिशिएंसी बिठा देंगे। जैसे यहाँ पे है 10 मैन, तो 10 × 2, उसके साथ है 20 मल्टीप्लाई और नीचे है 260। एंड इस साइड पे होगा 8 × 2 + 4 × 1 × 20 × x। नाउ 20 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। आप यहाँ से आ रहा है 20, सो इस साइड से आ रहा है 2/26 = 20/x। सो x = 260। तो मतलब
8 मैन एंड 4 बॉय 20 दिन काम करेगा तो 260 मैट बनाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एक काम को खत्म करने के लिए लगेगा 15 डेज, ए का लगता है। अब नाउ बोला है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सो अगर ए का एफिशिएंसी हम लोग ले लेते हैं 100 तो बी इज 25% मोर एफिशिएंट, तो बी का एफिशिएंसी होगा 125 एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सो सी का एफिशिएंसी होगा 125 इंटू 140 बाई 100, तो इसका आएगा 25 इंटू 7। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 25 इंटू 4 100 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5 एंड सी का होगा 25 इंटू 7। सो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 4 5 एंड 7। अब निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, ए का एफिशिएंसी हम लोग निकला है कि 4 है एंड इट इज गिवन दैट ए नीड 15 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4, सो टोटल वर्क इक्वल टू 4 इंटू 15 दैट इज 60 इज द टोटल वर्क। अब क्या बोला है, अच्छा अब क्या बोला है, ए और सी 3 दिन काम किया उसके बाद सी भाग गया, उसके बाद ए और बी ने बाकी काम को खत्म किया, तो वो कितने दिन काम किया वही हम लोगों को निकालना है। तो मतलब टोटल काम खत्म करने के लिए, टोटल काम है हम लोग का 60, तो 60 वर्क खत्म करने के लिए ए और सी मिलकर काम किया 3 दिन, उसके बाद सी भाग गया, उसके बाद ए और बी ने एक्स दिन काम किया, तो हम लोगों को ये एक्स निकालना है। तो एफिशिएंसी हम लोग बिठा देंगे, एफिशिएंसी का रेशियो था 4:5:7, सो ए प्लस सी तो मतलब 4 + 7 दैट इज 11:3, इसके बाद आ रहा है ए प्लस बी दैट इज 4 + 5 9x और टोटल वर्क है 60। सो यहाँ से आ रहा है 33 + 9x = 60, सो 9x = यहाँ से आ रहा है 27, सो x = 3। सो अगर ए और बी 3 दिन काम करेगा तो टोटल काम खत्म हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी एक साथ एक काम को खत्म करने के लिए टाइम लेता है 18 डेज एंड बी और सी उसी काम को खत्म करने के लिए टाइम ले रहा है 30 डेज एंड ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन सी, और हम लोगों को निकालने के लिए बोला है अगर बी अकेला काम करेगा तो बी कितना दिन टाइम लेगा। तो पहले देख लेते हैं, ए और बी इक्वल टू हो रहा है 18 डेज एंड बी प्लस सी हो रहा है 30 डेज, तो ये हो रहा है हम लोग का डे। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे जो कि है इन दोनों का एलसीएम, जैसे यहाँ पे एलसीएम हो रहा है 90, ये 90 होगा टोटल वर्क। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, 90 को 18 से डिवाइड करने से आएगा 5 एंड 30 से 3, सो ए एंड बी का टोटल एफिशिएंसी होगा 5 एंड बी एंड सी का टोटल एफिशिएंसी होगा 3। तो नेक्स्ट हम लोगों को बोला है कि ए इज
ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन सी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ए इज टू सी इक्वल टू टू इज टू वन, बिकॉज ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन सी। सो ए का होगा टू एंड सी का होगा वन। अब दोनों का एफिशिएंसी क्या है, ये तो हो रहा है दोनों का रेशियो, तो इसे तो हम एग्जैक्ट एफिशिएंसी नहीं भी निकल सकते। तो एग्जैक्ट एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो इससे आ रहा है ए माइनस सी। सो ए माइनस सी का एफिशिएंसी क्या आ रहा है, टू। मतलब ए और सी का एफिशिएंसी का डिफरेंस होगा टू। अब यहाँ से ए और सी का एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है, वन। तो दैट मीन्स दिस वन यूनिट इज इक्वल टू टू। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी होगा टू इंटू टू दैट इज फोर, एंड सी का एफिशिएंसी होगा टू इंटू दिस वन इज इक्वल टू टू। अब किसी भी एक को ले लेते हैं, जैसे यहाँ से b प्लस सी का एफिशिएंसी है थ्री, अब c का एफिशिएंसी है टू, सो b का एफिशिएंसी क्या होगा, थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। सो b का एफिशिएंसी है वन, तो b का उसी काम को ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा, टोटल वर्क दैट इज 90 डिवाइडेड बाई एफिशियंसी दैट इज वन, सो द टाइम इज 90 डेज एंड दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे और ऐसे ही ईयरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।